जी सर, लॉकडाउन का उल्लंघन का पालन किया जा रहा है, कई दुकानें खुले हुई थी, क्या कार्रवाई की गई? जी, बड़ा बाजार में सूचना मिला था कि बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया लॉकडाउन के उल्लंघन के दौरान जो है कुछ कपड़ा व्यवसायी, कुछ चप्पल जूता का व्यवसायी जो है अपने दुकान को गलत तरीके से खुले हुए था। इसमें हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए छापामारी किए हैं, जिसमें टोटल 14 लोगों को गिरफ्तार किए हैं, जिनके ऊपर लॉकडाउन उल्लंघन का मुकदमा दर्ज करके आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर, आए दिन ऐसा देखा जा रहा है कि मतलब दुकान खुली रहती है, भीड़ भड़क रहता है। नहीं, आज ही इस तरह की एक्टिविटीज़ देखने में सामने आई थी। कल तो काफ़ी सख्त था लॉकडाउन, आज भी काफ़ी सख्त है, लेकिन बड़ा बाजार में कुछ लोगों के द्वारा चोरी छिपे अपने दुकानों को खोल कर जो है दुकान चलाया जा रहा था। इसी कारण सामने ईद को लेकर मार्केट में भीड़ ज़्यादा। नहीं, सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया हम लोग को, हम उसके तहत अपने गाइडलाइन का पालन करेंगे। बाद बाकी पर्व तो है, ईद का पर्व है, उसके लिए आवश्यक सेवाओं की दुकान को 7 बजे से 11 बजे तक सरकार के द्वारा खुली रखी गई। दुकान भी सील की गई क्या या किया जाएगा? दुकानदार के विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाएगी, जितने को हिरासत में लिए हैं, जो लॉकडाउन उल्लंघन के तहत जो है हम लोग कार्रवाई करेंगे। लोगों से क्या अपील कीजिएगा? लोगों से ये अपील करेंगे कि घर में रहें, कोरोना का स्प्रेड अप बहुत ज़बरदस्त है और ये बहुत ही घातक बीमारी है, और अपने घर में रहें और अनावश्यक जो है मार्केट नहीं आए, और अति आवश्यक अगर आवश्यकता हो तभी वो मार्केट आकर अपना मार्केटिंग करें। मास्क को पहने, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें। कुछ दुकानें जो खुली हुई भी है वहाँ सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा है, हम लोग उसके विरुद्ध भी एक्शन लेंगे। सर, दुकानदार की चिन्हित कर लिए गए जो जो दुकानदार? जी हाँ, उसको चिन्हित कर लिया गया है, चूँकि दुकानदार का जो भी प्रोपराइटर है उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी जो भाग गए थे।